हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप राजस्थान का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अब देखिए, आज है 10 अप्रैल और हम देखेंगे 9 अप्रैल 2023 का न्यूज़पेपर, क्योंकि एक दिन लेट छपता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा गांधी जी के कोटेशन से। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, मैंने जीवन भर निर्धनों से सदा प्रेम किया है और भरपूर मात्रा में किया है। तो यहाँ पे गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, गांधी जी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी पोजीशन पे हों तो समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग होते हैं, जो निर्धन होते हैं, असहाय होते हैं, तो उनसे आपको हमेशा लगाव रखना चाहिए, आपके एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए और उनके प्रति आपकी एक जवाब वो होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको भी मुख्य धारा तक लाया जा सके, कैसे भी करके उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी दे या संसाधन दे या फिर किसी भी प्रकार से आप उनके जीवन को थोड़ा सक्षम बना सके, तो यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि मैंने जीवन भर निर्धनों से प्रेम किया है, मतलब उनके लिए संघर्ष किया है कि उनको भी मुख्य धारा तक लाया जा सके। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको, अब अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो अपने अंतर आत्मा से सोचिए कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और कुछ ऐसा करिए जिससे उसका जीवन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, यही मानव जीवन का धर्म है। अब देखिए, यहाँ पर यह खबर है कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक पहल इंडिया कार्यक्रम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की जा रही है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, जो परीक्षार्थी हैं, जितने भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको निशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कराई जा सके। इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करेगी कि भैया ये जो वंचित वर्ग या फिर गरीब सोसाइटी से जो लोग आते हैं आगे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। ठीक है, आ जाइए इसके अलावा यहाँ पर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी खबर है, देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो समान सामाजिक सुरक्षा है, इसके लिए हमारे देश में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई प्रोविज़न करता है? हाँ बिल्कुल करता है। इसके अंदर जो हमारे DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का आर्टिकल नंबर कौन सा, 38। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोविज़न किया गया है कि इसके अंदर राज्य ऐसे प्रोविज़न करेगा जिससे जो अमीर हैं और गरीब हैं उनके बीच की जो खाई है उसको पाटा जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है, देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू किया जाए। तो इस तरह का क्या है, समान सामाजिक सुरक्षा कानून हमारे देश में है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जो हमारे CM हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने जो प्रधानमंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है और इनसे आग्रह किया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की जैसे सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना, ठीक है, तो जो ये जो स्कीम है इसी के तर्ज पर समान सामाजिक सुरक्षा कानून भी पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए जिससे जो निर्धन है उनको एक मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलता रहे जिससे वो अपना निर्वाहन कर सके। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने क्या करा है, जो पेंशन राशि 500 रुपये और 750 रुपये दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राजस्थान सरकार ने क्या करा है कि मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये की कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखें, अब देखिए स्टूडेंट्स, तीसरी खबर है यहाँ, कोटा पुलिस का नवाचार। कोटा पुलिस ने एक इनोवेशन किया है कि अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना लेकर आई है। तो इसमें क्या होगा, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना के अंदर देखो, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना के तहत जो भी अपराधी होगा शहर में उसकी जो अचल चल संपत्ति जो होगी उसका पूरा का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूरा एनालिसिस किया जाएगा, भैया इसने प्रॉपर्टी कहाँ से अर्जित करी है, अगर ये पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी अवैध है, गैर कानूनी तरीके से इसने अर्जित करी है, तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखा जाएगा, दूसरे पॉइंट में एक तो पुलिस अधिकारी और एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो भी जिस संबंधित थाने से वो अपराधी आता है उस थाने में एक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त कर देंगे जो उसकी गतिविधियों पर संपूर्ण नज़र रखेगा, भैया ये कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे कार्य कर रहा है, किस तरीके से इसने ये बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदी है ना, तो उसकी जितनी भी गतिविधियाँ होंगी उसकी निगरानी के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए कौन है, एक अधिकारी और एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखा जाएगा जो उसके संबंधित रिश्तेदार हैं, ठीक है, परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, सहयोग जन हैं, तो उन सब पे भी निगरानी रखी जाएगी कि ये किसकी सहायता से ये कौन से एक्ट या फिर कौन कौन से कानूनी उल्लंघन कर रहा है या फिर किस किस तरीके की गतिविधियां कर रहा है या किन में संलिप्त पाया जाता है, और अगर वो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कोटा पुलिस द्वारा एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना लेकर आई गई है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चौथी खबर है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो देखो सूक्ष्म सिंचाई योजना इसमें क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम जानते हैं, एक फुवारा सा लगा देते हैं, वो चारों तरफ पानी फेंकता रहता है। ड्रिप इरीगेशन, ठीक है, ड्रिप इरीगेशन, इसकी सहायता से क्या है, खेतों में पानी दिया जाता है जिससे पानी की बर्बादी कम से कम हो और खेतों को संपूर्ण पानी मिल सके, ये इसका लक्ष्य है ना, सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसके तहत क्या है, अब आगामी दो वर्षों में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए पहले क्या है 30,000 किसानों को ही लाभान्वित किया जाता था, तो अब 30,000 से संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 50,000 कर दी गई है, ठीक है। फार्म पॉन्ड्स बनाए जाते हैं ना, जैसे तालाब से बना लिए, पीछे ये दिख रहा है, इसके पीछे यहाँ पे तालाब सा दिख रहा है, तो ये ऐसे फार्म पॉन्ड बना लेते हैं, तो पहले 30,000 किसानों को ही इसमें अनुदान दिया जाता था, जिनकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 50,000 कर दी गई, ये थोड़ा सा ध्यान है, 30,000 से बढ़ा के 50,000। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पहले इसमें सम्मिलित नहीं थे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्जिन थे, बहुत ही छोटे थे, पर इसमें अब क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी, जो गैर लघु सीमांत कृषकों को भी अब लघु सीमांत कृषकों के समान 10% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाता है। और इसमें प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के लिए अनुदान सीमा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दी गई है। अब आ जाइए नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए इंदिरा रसोई योजना। देखो इंदिरा रसोई योजना के मेजर प्रोविजन क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो डेट याद रखिए 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है, इसकी जो टैगलाइन है कोई भूखा ना सोए, तो इसके लिए क्या है, सभी को जो कोई भी यहाँ पे खाना खाना चाहता है, भोजन करना चाहता है, तो 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 17 रुपये का तो राज्य सरकार ग्रांट दे रही है, ठीक है, ग्रांट अनुदान, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या है, जो शहरी अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर 1,000 इंदिरा रसोई योजना संचालित की जा रही थी, तो अभी क्या है, जो हमारे CM हैं उन्होंने रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए भी 1,000 इंदिरा रसोई योजना लेकर आए हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन पेन कर दूँ, ग्रीन तो ज़्यादा हो, ग्रीन हो गया, रेड कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ये ठीक, तो 1,000 इंदिरा रसोई योजना लेकर आए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर टोटल जो राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी इंदिरा रसोई चलाई जाएंगी, तो 2,000 इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 1,000 थी अर्बन एरियाज के लिए, 1,000 इंदिरा रसोई का संचालन किया जाता था। अब बजट 2023-24 के अंदर राज्य सरकार ने, मतलब जो हमारे CM हैं इन्होंने घोषणा करी कि रूरल एरियाज के लिए भी 1,000 इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि टोटल संख्या कितनी हो गई है इंदिरा रसोई की राजस्थान में, 2,000 हो गई है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछें तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ भी सकते हैं। देखो शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का संचालन हो रहा था, इसमें करीब 1,000 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 8 रुपये में भरपूर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब राज्य सरकार ने क्या करा, अशोक गहलोत जो है राज्य बजट 2023-24 में इसका ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इसकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई, 2,000 हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से की जाएगी, 1 जून 2023 से की जाएगी, ठीक है, ये डेट भी याद रखनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से की जा रही है, 1 जून 2023 से की जा रही है। अब इसके अंदर जैसे भोजन कराया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर 100 ग्राम तो क्या है, मैं लिख भी देता हूँ, 100 ग्राम्स दाल, ठीक है, दाल दी जाती है, 100 ग्राम क्या है, सूखी सब्जी, ठीक है, और इसके अंदर 250 ग्राम क्या है, 250 ग्राम है रोटी प्लस अचार, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम इसमें सब्जी है, 250 ग्राम रोटी है, प्लस अचार इसके अंदर सर्व किया जाता है 8 रुपये के अंदर, ठीक है। तो आज ये आगे चलते हैं, ये हो गई अपनी खबर यहाँ पे कंप्लीट, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं पहले। देखो आपको ये तो पता ही है कि अब जो बिजली है, 100 यूनिट बिजली सभी को, हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर एक और खबर है, स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना। अब देखिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना क्या होती है, स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना का सिंबल सा मतलब है, एक तो होता है रेन वाटर, ठीक है,
और एक होता है जो हमारे घरों से, जो होम घर से वाटर निकलता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, जैसे नहाने का, खाने पीने का, है ना, और सीवरेज का पानी होता है, तो ये सीवरेज नालियों में जाता है घरों का पानी, ठीक है, और जो बरसाती पानी होता है छत ज़मीन से इकट्ठा होकर इन सीवर लाइनों में ना जाए, इसके लिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना बनाई जाती है, ठीक है, जो बरसात का पानी है, जो घर का पानी जो सीवरेज नालियों में जाता है उसको रोकने के लिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें क्या है, जो पुष्कर सरोवर है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो मल नालियाँ हैं, सीवरेज एरिया हैं, तो उसके साथ मिक्स होकर ये जो हमारा पुष्कर लेक है उसके अंदर ये पानी मिक्स हो जाता है और पुष्कर लेक पूरी तरीके से कंटेमिनेटेड हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए स्मार्ट वाटर ड्रेनेज योजना लेकर आई है राज्य सरकार, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है अभी स्मार्ट वाटर योजना के तहत कौन सी लेक को शुद्ध किया जा रहा है, मतलब उसको बरसाती पानी और सीवरेज एरिया से अलग किया जा रहा है, तो पुष्कर लेक के अंदर ये कार्य किया जा रहा है। तो अब आ जाइए हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा देखो 9 अप्रैल का, ठीक है, 9 अप्रैल का अपने 10 अप्रैल देख लिया, आज है 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल का अब अपन देखेंगे 10 अप्रैल वाला न्यूज़पेपर, आ जाइए 10 अप्रैल वाले पे चलते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हो गया ना, हाँ अब ये देखिए 10 अप्रैल वाला न्यूज़पेपर ये आपके सामने आ गया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम आज 11 अप्रैल वाली खबरें देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर हम 11 अप्रैल वाली खबरें देखेंगे, आज 11 अप्रैल है, ठीक है, तो ये देखिए महात्मा ज्योतिराव फूले से रिलेटेड पहली खबर है यहाँ पर, ठीक है, तो महात्मा ज्योतिराव फूले, इनका जो योगदान है हमारे सोसाइटी में अतुलनीय है, और उस समय इनका कंट्रीब्यूशन है जिस समय पर पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ थी, ठीक है, बैकवर्ड समाज से आते थे, तो इनका जो योगदान जिस समय पर इन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया, तो इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जो हमारे CM हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, ठीक है, अभी तक क्या था, महात्मा ज्योतिराव फूले की जो जन्मदिवस था इस पर है ना ऐच्छिक छुट्टी थी, कोई अगर छुट्टी लेना चाहता है तो छुट्टी ले सकता है, परंतु अब यहाँ पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है इनके जन्मदिन को, ठीक है, इससे पहले क्या था, जो लोक देवता हैं श्री भगवान वो देवनारायण की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश को पहले सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था 28 जनवरी को, ठीक है, सरकार के द्वारा 28 जनवरी को देवनारायण जयंती पर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था, पहले ये भी ऐच्छिक अवकाश था, तो अब उन्हीं के साथ में यहाँ पर ज्योतिराव फूले का जो ऐच्छिक अवकाश था इनको भी पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2023 में दो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किए गए हैं, एक तो हो गया देवनारायण की जयंती, ठीक है, भगवान श्री देवनारायण जी की जयंती पर, दूसरा हो गया ज्योतिराव फूले की जयंती पर, ठीक है, आ जाइए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाइए ज्योतिराव फूले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, आज 11 तारीख है, ठीक है, तो 11 तारीख को इनका जन्मदिन है, और इसी दिन इन्होंने जो हमारे CM है क्या डिक्लेयर किया है, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, पुणे में हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1890 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनके अन्य नाम है जैसे महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिराव फूले, जीवन साथी कौन थी, सावित्रीबाई फूले, ठीक है। अब देखो इनका जो सरनेम है फूले, फूले क्यों है, क्योंकि क्या था, ये आते थे SC कम्युनिटीज है, ठीक है, परंतु इनकी फैमिली क्या काम करती थी, फूल जो गजरा बनाने का काम होती है ना, फूलों से गजरा बनाना, तो उसी से इनके नाम के आगे फूले लग गया, ठीक है, सरनेम क्या लग गया, फूले, ये है। इन्होंने क्या था, स्त्रियों की दशा सुधारने को उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा में 1848 आप ईयर देखिए 1848 की बात कर रहे हैं, आज से 150 वर्ष से भी ज़्यादा साल पुरानी बात है, ठीक है, उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए एक स्कूल संचालित किया था। सोचिए जिस समाज में आज भी स्त्रियां नहीं पढ़ पा रही, बच्चियां नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है, उस देश के अंदर 150 से 200 साल के बीच में है ना, पुराने पीछे की तरफ जाइए तो वहाँ उन्होंने बच्चियों के एजुकेशन के लिए स्कूल खोला था, तो सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, ठीक है, कोई थी नहीं, लड़कियां पढ़ी लिखी थी नहीं तो कहाँ से अध्यापिका मिलती, तो इन्होंने क्या करा, अपनी जो पत्नी है सावित्री बाई उनको पहले शिक्षित किया और फिर उन्होंने आगे बच्चियों को पढ़ाया, ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने 24 सितंबर 1874 को, ठीक है, निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये ध्यान रखना ज्योतिबा फूले के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1874 के अंदर,
ठीक है, और उनकी जनसेवा देखकर ये हो गया 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी, महात्मा की उपाधि दी गई थी 1888, ठीक है, 1888, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा। मुंबई में एक विशाल सभा हुई थी, वहाँ पर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार करने का आरंभ किया था कि भाई जो पंडित हैं इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, जो शादी ब्याह करने हैं आप है ना, बिना इनकी जो पंडित होते हैं इनके बिना भी शादी कर सकते हैं। क्योंकि क्या था, उस समय पर जो पंडित थे वो एससी एसटी की शादियों में नहीं जाते थे, ना उनकी शादी कंडक्ट कराते थे, तो इनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो क्या था, फिर इन्होंने यही कल्चर लेकर आए, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, उस समाज में क्या करेगा इंसान, बताइए। तो वो कुछ ना कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ लेकर आएगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ करेगा, इस तरह के कोई कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, वो अपने आप को, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है वो इस धारा के अंदर आने से रोक रहा है, पढ़ने से रोक रहा है, संस्कृत एजुकेशन करने से रोक रहा है, ठीक है, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा है, ठीक है, सारे रूल्स कौन बना रहा है, पुरुष बना रहे हैं, और सब किस पे थोपे जा रहे हैं, नीची जातियों पर और महिलाओं पे थोपे जा रहे हैं। तो आदमी करेगा क्या, आदमी ये करेगा कि महिलाओं की कंडीशन को अपलिफ्ट करेगा, जो भी उनकी कुरूतियाँ उनका विरोध करेगा, ठीक है, एजुकेशन की बात करेगा, तो ये इन्होंने बात करी थी, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ किया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय में भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा वो बाल विवाह और जो विधवा विवाह थे, देखो बाल विवाह के तो विरोधी थे और विधवा विवाह के पक्षकार थे। ये बोलते थे कि बच्चों का जो बाल विवाह है वो नहीं होना चाहिए और जो विधवा विवाह है उसको समर्थन देते थे, ठीक है। विधवाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए, ना कि उनको सती कर देना चाहिए, ठीक है। पहले क्या था, सती सिस्टम था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1828, ठीक है, मैं सती प्रथा को बैन लगाया गया था, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, नहीं है तो उनके बारे में भी लिएंगे जब उनकी कोई जीवनी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाइए, तो अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, की थोड़े नाम रखना, याद रखना इनकी किताबों के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किताबें किसने लिखी थी। तो गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, ठीक है, पखड़ा कर दो, है ना, किसान का कोड़ा, अछूतों के कैफियत, महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था और धर्म सुधार और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। इसके साथ साथ इन्होंने एक अखबार भी चलाया था, ठीक है। देखिए इनके अखबार का नाम था दीन बंधु, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, दीन बंधु, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो दीन बंधु ये न्यूज़पेपर था, जिससे क्या था, ये समाज के अंदर जो जागरूकता फैलाने का इससे कार्य कर रहे थे, ठीक है, जो भी वंचित वर्ग थे उनको इसके थ्रू अपलिफ्ट कर रहे थे, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बता रहे थे। आ जाइए यहाँ पर, आगे नीचे चलते हैं, देखिए नीचे खबर है यहाँ पर, डूंगरपुर में बाल विवाह को रोकथाम, ठीक है, के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह कौन सी डेट को होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आरएस में, ठीक है, आरएस प्री में आया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान से, अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा, ठीक है, आखा तीज, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोला जाता है और पीपल पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह किए जाते हैं। तो देखिए बाल विवाह जो है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, आ जाइए बाल विवाह के बारे में जानते हैं। तो देखिए विश्व में बाल विवाह में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरे स्थान पर भारत आता है, ठीक है। समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह, ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो 49% जो लड़कियां हैं उनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। और भारत में बाल विवाह जैसे जो एजुकेटेड राज्य है केरला, उसके अंदर भी देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड राज्य कौन सा, केरला, और जब हमें वहाँ भी बाल विवाह देखने को मिल रहा है तो सोचने की बात है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब बाल विवाह सबसे ज़्यादा, अगर जैसे मान लीजिए यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो बाल विवाह सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखने को मिलता है और नगरीय क्षेत्रों में थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम मिल जाएगा। परंतु जब आप देखिए केरला जैसा राज्य जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, वहाँ भी हमें बाल विवाह देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम इससे अछूते नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो
और अगर जैसे स्टेट की बात की जाए, सबसे ज़्यादा बाल विवाह कौन से स्टेट में होता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखा जाता है और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बाल विवाह देखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप ये सोचिए कि बच्चा है छोटा सा, वो कुछ जानता ही नहीं है, उसका विवाह कर दिया गया है। बाद में जब वो बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं शादी को लेकर। अगर जैसे मान लीजिए लड़की पढ़ लिख गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, और लड़का पढ़ा लिखा नहीं बाद में, तो अब क्या होगा, वो पढ़ी लिखी लड़की उस लड़के के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाती है। ठीक है, उसको क्या है, अपने बराबर का चीज। देखो हमेशा क्या होता है समाज में, एक चीज़ याद रखना, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, तो आपने ये देखा होगा जो दोस्ती यारी है अपने बराबर में, रिश्तेदारी अपने बराबर वालों के साथ ही चल पाती है। कोई आपसे मान लीजिए बहुत नीचे है या बहुत ज़्यादा कोई अमीर है, तो उनके क्या होते हैं, एज एन ए सोशली तो वो कनेक्टेड दिखाई दे सकते हैं, परंतु क्या होता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं चल पाता। एक एज ए जनरल बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कभी आपने ये अपने पर्सनल लाइफ में भी नोट किया होगा, जैसे मान लीजिए इक्वल पोजीशन से अगर जैसे कोई बंदे आ रहे हैं और उसमें आप जा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा हायर हैं या बहुत ज़्यादा लो है मान लीजिए, तो आप क्या है वहाँ पर ना डिस्क्रिमिनेट ही फेस करेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, वो फिर आके बताएंगे यार हम तो ये करिए हम तो वो करिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीवन में क्या होता है, इक्वलिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ देखिए बाल विवाह की रोकथाम क्यों क्यों जरूरत है। अब जैसे मैंने लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और लड़की बिल्कुल गंवार रह गई, तो वो से शादी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसके स्टैंडर्ड की लड़की हो, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से होता है ना, तो बाल विवाह रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो बाल विवाह रोकने के लिए हमारे जो हिस्ट्री है उसमें किसी ने प्रयास किया था या नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया था राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ठीक है, और ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास किए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रयास किसने किए थे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन ने किए थे, और इन्होंने क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बिल भी पास कराया था जिसका नाम था स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी और लड़कियों की उम्र कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष रखी गई थी, तो स्पेशल मैरिज एक्ट याद रखना है। ठीक है, फिर और इन्होंने जो बाल विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए बाद में भी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी लेकर आए थे, जिसको हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था। इसको कब लाया गया था, 1929 के अंदर लाया गया था, है ना, 1929 के अंदर हरविलास शारदा के द्वारा चाइल्ड मैरिज रीस्टैंड एक्ट। ठीक है, रीस्टैंड मतलब रोकना, मतलब चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। ठीक है, बाद में क्या था, जब ये चाइल्ड मैरिज रुक नहीं रही थी तो बाद में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, वो कब लाए थे, 2006 के अंदर लाए थे। तो सोचिए कितना लंबे समय से चाइल्ड मैरिज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और आज जैसे 2023 हो गया तो तब भी चाइल्ड मैरिज को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बाल विवाह कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में उभरा हुआ है, तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आगे, इसमें क्या कहा था, चाइल्ड मैरिज रिजिस्टेंट एक्ट जो 1978 के अंदर आया था, इसके अंदर जो लड़कों की उम्र थी 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष बढ़ा दी गई थी, है ना, तो लड़कों की उम्र 18 से 21 कर दी गई थी और लड़कियों की उम्र 14 से 18 कर दी गई थी। जो चाइल्ड मैरिज जो हमारे पास पहला एक्ट कौन था, स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, उसके अंदर 18 और 14 वर्ष थी, और चाइल्ड मैरिज रिजिस्टेंट एक्ट के अंदर 21 और 18 कर दी गई उम्र। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं, तो 2006 वाला एक्ट आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, है ना, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 अस्तित्व में आया। इसके अंदर क्या था, जो चाइल्ड मैरिज है इसको क्या करते, दंडनीय अपराध की श्रेणी में लिया है। अब जो चाइल्ड मैरिज रिजिस्टेंट एक्ट था उसके अंदर क्या था, 15 दिन का कारावास था और 1000 रुपये का जुर्माना था। ठीक है, जो 1978 का था, ये वाला जिसके अंदर 21 से 18 वर्ष की गई थी, तो इसके अंदर 15 दिन का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना रखा गया था। परंतु जब ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लेकर आए थे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, ठीक है, जब ये अस्तित्व में आया तो इसके अंदर जो पेनल्टी का अमाउंट है 2 लाख रुपये कर दिया गया, और जो जेल टर्म है उसको अनडिफाइन कर दिया गया कि कितना भी दिया जा सकता है, 3 साल 6 साल, है ना, डिपेंड करेगा कि किस तरीके का अपराध है, उसी तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो आपको क्या याद रखना, एक तो है ना शारदा एक्ट याद रखना है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, 2006, इसके प्रोविजन याद रख लें। यहाँ पे देखिए नोट भी है, बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था। ठीक है, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी, लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में वर्ष जो उम्र है बढ़ा के 21 वर्ष से कितनी 18 वर्ष कर दी गई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें इनके बारे में, ये प्रोविजन से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको अटेंड करके आ पाए। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर खबर है अपने लिए एनीमिया मुक्त भारत राजस्थान, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त राजस्थान जो स्कीम है ये कब लॉन्च करी गई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी डेट याद रखना, 29 जनवरी 2019, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त भारत राजस्थान स्टार्ट किया गया था, फिर इसमें क्या था, दूसरी डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है 16 मई 2022, ठीक है। तो 16 मई 2022 को क्या किया गया था कि इसको एनीमिया मुक्त राजस्थान को शक्ति दिवस के रूप में घोषित किया गया था कि इसको शक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। आ जाइए इसको समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, प्रदेश भर में चल रहे एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से लेकर 1-5, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गोली, पिंक कलर की गोली खिलाई जाएगी बच्चों को, ठीक है। और जो कक्षा 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको ब्लू कलर की, है ना, ये गोलियों के कलर अच्छे से याद रखना है, पिंक एंड ब्लू गोली खिलाई जाएगी, ठीक है। तो पहले पिंक आएगी फिर बाद में ब्लू आएगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। आ जाइए इसके प्रोविजन देखते हैं और एक्स्ट्रा। देखिए एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए मनाएंगे शक्ति दिवस, ठीक है। तो शक्ति दिवस की अपने डेट देख ली, 16 मई 2022 से इसको प्रारंभ किया गया है। एनीमिया मुक्त राजस्थान शक्ति दिवस के रूप में कब से सेलिब्रेट किया जाएगा, 16 मई 2022 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक मंगलवार मंथ का जो भी फर्स्ट मंगलवार होगा उस दिन इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो महीने के पहले मंगलवार को कार्यक्रम, हीमोग्लोबिन जांचेंगे, गोली देंगे। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत अब बच्चे, किशोर किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को, ये ध्यान रखना है, मंथ का जो फर्स्ट मंगलवार होगा उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। शक्ति दिवस के रूप में उसे आयोजित किया जाएगा। तो कब से किया जा रहा है, 16 मई 2022 से किया जा रहा है। और एनीमिया मुक्त राजस्थान स्कीम कब लेकर आए थे, ये 29 जनवरी 2019 को लेकर आए थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय विद्यालयों, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं सभी राजकीय चिकित्सा स्थानों पर शक्ति दिवस का आयोजन होगा। आंगनबाड़ी में ऐसे मनेगा शक्ति दिवस, आंगनबाड़ी केंद्र में 16 माह से 59 माह तक के बच्चे, ठीक है, 6 माह से लेकर 59 माह तक के बच्चे और 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे, देखो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे ये थोड़ा ध्यान रखें, और 10 से 19 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों बालिकाओं और 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं को आशा द्वारा, जो हेल्थ वर्कर होती हैं उनके द्वारा मोबिलाइज कर शक्ति दिवस के दिन केंद्रों पर ले जाया जाएगा इन लोगों को, और वहां इनको एनीमिया की गोली खिलाई जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एनीमिया मतलब जिससे खून की कमी ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को थकान, भूख ना लगना, नाखूनों के सफ़ेद होना, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एनीमिया की पहचान कैसी है, अगर आपके नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है तो ये समझ जाइए कि आपके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी है। आ जाइए यहाँ पर, सफ़ेद होना, जीभ पर सफ़ेद परत का होना जैसे कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर NMM के, वो जो ये होती है ना नर्स, ANM के माध्यम से एनीमिया की जांच करना सुनिश्चित करेंगे। स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बनाए जाएंगे एनीमिया मुक्त मॉनिटर, ठीक है, सभी स्कूलों के प्रत्येक कक्षा में एनीमिया मुक्त मॉनिटर बनाए जाएंगे जो एनीमिया रोग से बचाव के लिए प्रोत्साहित करेंगे। शक्ति दिवस पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बालक बालिकाओं को साप्ताहिक गुलाबी गोली खिलाई जाएगी। कौन सी गोली, साप्ताहिक गोली है ना, सप्ताह में एक बार, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। शिक्षकों द्वारा एनीमिया को लक्षणों के आधार पर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और कक्षा 6 से लेकर 12 के सभी किशोर किशोरियों को साप्ताहिक IFA की नीली गोली खिलाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, वीक में एक दिन खिलाई जाती है ना, और जो महीने का पहला डे होता है उसको तो क्या शक्ति दिवस के रूप में, मंगलवार जो होता है महीने का पहला दिन, नहीं, पहला मंगलवार शक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा जो 16 मई 2022 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और ये जो एनीमिया मुक्त भारत राजस्थान के लिए जो कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 12 वर्ष सॉरी, ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ब्लू गोली खिलाई जाएगी। तो ये वीक में एक बार खिलाई जाएगी, ठीक है, वीकली खिलाई जाती है ये गोलियाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है आज का राजस्थान का सूजस ई बुलेटिन। तो जाते जाते कर लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए, ठीक है, अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो ऐसे याद रख लें, प्रोहिबिशन यहाँ लगा लीजिए आगे, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी
18, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको बताना है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, उसकी रोकथाम के लिए हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में प्रोविजन कर रखे, 15 में 16 में 17 में 18 में, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।